हे एवरीवन, मैं संतोषी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय कॉलेज स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक साल की बीएड और दो साल की बीएड के बीच में जो है क्या डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी में जो है डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, टीचर बनने के लिए कोई भी टीचिंग कोर्स किया हुआ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक अगर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं टीचर से रिलेटेड, तो उसमें पूछा जाता है कि आप लोगों ने बीएड किया है, डीएड किया है, बीपीएड किया है, इन कोर्स को किया हुआ होना चाहिए तभी जो है आप लोग टीचर जो है बन सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो भी आप लोगों ने किया हुआ अगर आप लोगों ने है तो आप टीचर्स की जॉब के लिए बिल्कुल जो है एलिजिबल हैं। आप लोग जॉब कर सकते हैं टीचर्स की अगर आप लोगों ने बीएड हो गया, बीपीएड हो गया या एमएड जैसे अगर कोर्सेज को करने के अलावा और भी कोर्सेज को किया है। तो साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनके माइंड में ये डाउट रहता है कि हम लोगों ने जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो है वो कर ली है, कंप्लीट कर ली है, देन उसके बाद जो मास्टर्स के बाद जो एक साल की बीएड आ रही है क्या हमें वो करनी चाहिए या हमें दो साल वाली बीएड करनी चाहिए, यानी कि जो एक साल वाली बीएड आ रही है उसका वेट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट हमें जो है दो साल वाली बीएड कर लेनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि जो एक साल वाली बीएड आ रही है आप लोगों को कहीं ना कहीं एक साल वाली बीएड का जो है वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को काफी सारे मतलब इश्यूज आ जाएंगे। लाइक अगर एक साल वाली बीएड जो आ रही है उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में, लाइक स्टडी मटेरियल हो गया या क्वेश्चन पेपर हो गए या और भी चीजें जो स्टडी से रिलेटेड है। एक साल वाली बीएड जो आने वाली है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप दो साल वाली बीएड करते हैं तो और मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों को सारी अवेलेबल चीजें मिल जाएगी, लाइक स्टडी मटेरियल हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया या और भी चीजें जो स्टडी से रिलेटेड है दो साल वाली बीएड में आप लोगों को इजिली मार्केट में मिल जाएगा। तो एक ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, अगर आप दो साल की बीएड करते हैं तो आप लोगों को मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल मिलेगी, बट आप वहीं एक साल की बीएड का वेट करते हैं तो आप लोगों को मार्केट में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी आई नहीं है। तो इस वजह से जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि दो साल वाली बीएड जो है आप लोग करें। साथ में एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि एक साल वाली बीएड अगर आप करते हैं तो आप लोगों को कोई आइडिया नहीं रहेगा कि इसके एग्जाम्स कैसे आएंगे, ये थोड़ा टफ तो नहीं आएगा। बट अगर दो साल वाली जो बीएड है उसमें आप लोगों को पूरी तरह से आइडिया रहेगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, या कोई भी आपके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए या जो भी आपके टीचर्स हो गए वो आपको पूरी तरह से सजेस्ट कर देंगे कि ये चीजें दो साल के बीएड अगर आप करते हैं तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ये चीजें आएंगी। लेकिन अगर आप एक साल वाली बीएड करते हैं तो उसमें आप लोगों को कोई आइडिया नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके आप अपने मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा आपको रिग्रेट होगा, अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर आप लोगों को प्रॉपर चीजें नहीं पता होगी तो। बट वहीं दो साल की बीएड में अगर आप प्रॉपर आप लोगों को पता होगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो देखा जाए तो जो बीएड है दो साल वाली वो 2015 से चली आ रही है। तो इसीलिए काफी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दो साल वाली बीएड को ज्यादा प्रेफर करते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस इसी माइंड में यही कंफ्यूजन रहती है क्या हमें मास्टर्स के बाद जो एक साल वाली बीएड आ रही है उसका वेट करना चाहिए या दो साल वाली बीएड को हमें कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता होता है ये चीज कि दो साल वाली बीएड ज्यादा बेनिफिट देगी, तो इस वजह से वो लोग जो है दो साल वाली बीएड को करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्पेशल बीएड या स्पेशल बीपीएड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, डिसेबल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन कोर्सेज को करते हैं, स्पेशल बीएड हो गया, स्पेशल बीपीएड हो गया, वही अगर नॉर्मल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो बीएड कोर्सेज को करते हैं, तो इन लोगों को जो है सेम ट्रेनिंग ही दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है स्पेशल बीएड वाले जो स्पेशल बीएड के कोर्सेज को अगर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स कर रहे हैं तो उनको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी और नॉर्मल बीएड जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को जो है सेम ट्रेनिंग दी जाएगी, इक्वल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो एक ऐसा भी बेनिफिट है, मतलब किसी भी तरह से दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिफरेंसेस नहीं किए जाएंगे, दोनों में जो है इक्वल ट्रेनिंग दी जाएगी। वही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो है एक साल की बीएड करते हैं तो मार्केट में काफी चीजें जो है अवेलेबल नहीं मिलेगी, वहीं अगर आप दो साल की बीएड करते हैं तो आप लोगों को काफी चीजें जो है अवेलेबल मिलेगी। प्रैक्टिकल को लेकर ले लीजिए, बुक्स को लेकर ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर को या स्टडी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल हो ले लीजिए, तो आप लोगों को टू ईयर्स वाले में सारी चीजें अवेलेबल मिलेगी। बट अगर आप वन ईयर वाली जो है बीएड का वेट करते हैं तो उससे रिलेटेड आप लोगों को मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात कीजिए इसके फीस की तो मैं आप लोगों को बता दूं जो एक साल वाली फीस आ रही है यानी एक साल वाली जो बीएड आ रही है उसकी फीस क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं एक साल वाली बीएड की फीस जो है 55 से 60 हज़ार तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर वहीं बात की जाए दो साल वाली जो बीएड है
उसकी 70,000 जो है फीस देखने के लिए मिल जाएगी। तो काफी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में यही चीज रहती है कि कहीं वो लोग जो है वन ईयर वाली को ना प्रेफर करके जो दो ईयर वाली बीएड है उसको प्रेफर ज्यादा करते हैं। तो उनके माइंड में भी ये सारी चीजें रहती है कि मटेरियल जो है मार्केट में अवेलेबल होगा तो मिल जाएगी इजिली। तो काफी सारे कैंडिडेट्स यही चीजें सोच के जो है 2 साल वाली बीएड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये काफी पुरानी भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2015 से ये चली आ रही है ये 2 साल वाली बीएड। साथ ही मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि अगर जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स होते हैं 3 साल की ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली, तो उनके लिए ज्यादा सही चीज बताना चाहूंगी कि वो लोग जो है 2 साल की बीएड को जो है कर सकते हैं। वही जो है 1 साल की बीएड का वेट ना करें, वो ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्लीट करने के बाद जो है 2 साल की बीएड को वो इजिली कर सकते हैं और जो है आगे जाके उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जो है 2 साल की बीएड को अगर वो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर कि 1 साल की बीएड में क्या डिफरेंसेस है, 2 साल की बीएड में क्या डिफरेंसेस है, उतना तो आप समझ ही गए होंगे इसी हिसाब से कि कौन सी कोर्स को आपको करना चाहिए, 1 साल वाली बीएड को करना चाहिए, 2 साल वाली बीएड को करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है 2 साल वाली बीएड को ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कीजिए, क्योंकि 1 साल वाली बीएड में काफी सारे कैंडिडेट्स को कोई आइडिया नहीं होता कि पेपर में क्या आने वाला है। तो इस वजह से जो है आप लोग 2 साल की बीएड को ज्यादा प्रेफर कीजिए। देन इससे हटके मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप किसी भी कोर्सेज या कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे दिया गया है, देन फिल आउट दिस फॉर्म एंड फ्री एनालिसिस एंड एक्सपर्ट काउंसलर भी है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो इजिली क्लियर कर दिए जाएंगे, बट वही डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल आउट करना जरूरी है। तो गाइस अगर चाहते हैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।